नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको सलाह देंगे सितंबर के महीने में बीज के माध्यम से सब्जियों की सीधी बिजाई किसकी कर सकते हैं। फसल चक्र के रूप में दलहनी वर्गीय सब्जियों में ग्वार, लोबिया और मटर पत्तों वाली सब्जियों में मेथी को खास रूप से उगाया जाता है। यह सब्जियाँ जमीन की जैविक उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती हैं। दलहनी वर्गीय होने के कारण इन सब्जियों के पौधों की जड़ों पर गांठे रूपी नोट्स बनती हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवाणु लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं। इन सब्जियों की बीज के माध्यम से सीधी बिजाई सितंबर के महीने में की जाती है। बिजाई से पहले इन सब्जियों के बीजों को राइजोबियम नामक कल्चर से उपचारित करना ज़रूरी है। ऐसे बीजों को छाया में सुखाकर उनकी अगले दिन बिजाई कर देनी चाहिए। जैसे ही बीज का अंकुरण होता है तो पौधे की जड़ों पर बैक्टीरिया लाखों की संख्या में होता है। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों से सब्जियों को उगाने के लिए किसानों को आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे खर्चे में कमी आती है। सिंचाई मौसम को देखते हुए ग्वार और लोबिया में 25 से 30 दिन के अंतराल पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, जबकि मटर में 45 से 50 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। बिजाई की विधि ग्वार, लोबिया और मटर के उपचारित बीजों को समतल क्यारियां बनाकर बोया जाता है। इनकी बिजाई कतारों में की जाती है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। क्यारियों की लंबाई 2 से 2.5 मीटर व चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कम अवधि वाली सब्जियां लगाकर अधिक मुनाफा कैसे पा सकते हैं आप। जड़ वाली सब्जियों और पत्ते वाली सब्जियां लगाकर कम अवधि में इनका प्रोडक्शन करके किसान अपनी आर्थिक आय में वृद्धि कर सकता है। कम अवधि वाली इन सब्जियों में विशेषकर जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, शलगम, चार पत्ते वाली सब्जियों में पालक, बंद गोभी, मेथी, धनिया आदि शामिल है। सितंबर के महीने में बरसात के मौसम के तुरंत बाद फूल गोभी, बंद गोभी एवं ब्रोकली की खेती सफलतापूर्वक किसान कर सकते हैं। इसके उत्पादन प्रौद्योगिकी की जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का किसानों के लिए जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले उन्नत किस्मों का चयन। मूली की आइवरी वाइट, पंजाब सफ़ेद, हिसार मूली नंबर 3, जैपनीज वाइट लॉन्ग आदि किस्में बेहतरीन हैं। गाजर की हिसार गैरिक, उषा केसर आदि प्रसिद्ध किस्में हैं। शलगम में पर्पल टॉप वाइट ग्लो और चार सफ़ेद आदि अच्छी किस्में हैं, जबकि पालक की ऑल ग्रीन, जॉबनियर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23 और पूसा ज्योति आदि किस्में हैं। फूल गोभी की नंबर 1522 रिया, गिरजा, बिशप, कैस्पर आदि उन्नतशील किस्में शामिल हैं। बंद गोभी की ब्राइड ऑफ इंडिया अच्छी किस्म है। बिजाई का समय और खेत तैयार करने की विधि। मूली, गाजर, शलगम की बिजाई सितंबर के महीनों में की जाती है। मूली और शलगम के बीजों को हल्की सी मिट्टी की डोलियां बनाकर उनके ऊपर के सिरे पर हल्की सी नाली खोदकर बीजों को लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना चाहिए और उनकी मिट्टी की हल्की सी परत से ढक देना चाहिए। जबकि गाजर के बीजों को भूमि की अच्छी जुताई करने के बाद छींटा विधि से बुआई करके भूमि के ऊपर सुहागा लगा देना चाहिए। जिन किसानों की भूमि बुलई दोमट है, उन खेत में किसान डोलिया बनाकर भी बुआई कर सकते हैं। किसान खास तौर पर यह बात ध्यान रखें कि जड़ वाली सब्जियों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए भूमि में सड़ी हुई गोबर की खाद, केंचुआ खाद, जैविक खाद, मुर्गी की खाद का प्रयोग भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहिए। साथ ही भूमि को भुरभुरा बनाना अति आवश्यक है। ऐसा करने से जड़ों का विकास और उनकी गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। फूल गोभी और बंद गोभी की पनीरी ऐसे करें तैयार। सितंबर के महीने में बरसात से बचाकर फूल गोभी और बंद गोभी की पनीरी ऊपर उठे बेडों में बिजाई करके तैयार करें। बेड की लंबाई 2 मीटर व चौड़ाई 90 से 100 सेंटीमीटर रखें। पौधशाला में कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। बीज की बिजाई करने के पश्चात शुद्ध केचुआ खाद, जो कि सुडोमोनास और
टाइक्रोडर्मा से उपचारित होती है और बीज को ढकने में लाभदायक है। भूमि पर केचुआ खाद की मोटाई लगभग आधा इंच से पौना इंच होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करना जरूरी है। बीज दर मूली के लिए 2 से 4 किलो प्रति एकड़, गाजर के लिए 3 से 5 किलो प्रति एकड़, शलगम के लिए 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ बीज पर्याप्त है। फूलगोभी और बंद गोभी के लिए 150 से 200 ग्राम बीज द्वारा तैयार की गई पौध प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त है। पालक के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। जड़ वाली फसलें और पालक 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती हैं, जबकि फूलगोभी और बंद गोभी 90 से 110 दिन में तैयार होती है। आइए अब बात करते हैं अच्छी पैदावार के लिए ज्वार, बाजरा, लोबिया की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ज्वार, बाजरा, लोबिया आदि फसलों की देखभाल बहुत ही जरूरी है। थोड़ी सी देखभाल से फसलों को रोगों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। HAU के चारा अनुभाग, अनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के वैज्ञानिक किसानों को फसलों को रोग से ग्रस्त होने से बचाने के ये टिप्स दे रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या टिप्स हैं। ज्वार की फसल के लिए यह करें, अधिक कटाई वाली व एक कटाई वाली ज्वार में सिंचित इलाकों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के समय और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई के 1 महीने बाद भी डालें। मल्टीकट ज्वार की किस्में हमें नवंबर महीने तक हरा चारा दे सकती हैं। मल्टीकट ज्वार को 45 दिनों के अंतराल पर काट लें। यदि पर्याप्त वर्षा ना हो तो प्रत्येक कट के बाद सिंचाई करें। हर कट के बाद 22 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें। उच्च गुणवत्ता और अधिक चारा उपज सुनिश्चित करने के लिए ज्वार की एक कटाई किस्मों को 50% फूल अवस्था में काटा जाना चाहिए। बाजरा के लिए यह करें, फर्टिलाइजर प्रबंधन। बाजरे के चारे की फसल नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। बुआई के समय 44 किलो यूरिया प्रति एकड़ और 22 किलो यूरिया बुआई के 1 महीने बाद डालें। कम फास्फोरस वाले रेतीले मिट्टी वाले क्षेत्रों में बुआई के समय 6 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ का प्रयोग किया जा सकता है। यह बुआई के 50 से 55 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इससे प्रति एकड़ लगभग 160 क्विंटल हरा चारा मिलता है। चारे को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए बाजरे के साथ लोबिया मिलाकर बोना चाहिए। कटाई प्रबंधन, एक कटाई वाली किस्मों की कटाई फूल आने पर करें, जबकि अनेक कटाई वाली मल्टीकट ज्वार में पहली कटाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद करें और इसके बाद प्रत्येक कटाई 40 से 45 दिन के अंतराल पर करें। बहु कटाई वाली किस्मों की कटाई जमीन से 10-12 सेंटीमीटर ऊपर से करें ताकि फुटाव जल्दी हो। लोबिया के लिए यह करें, उर्वरक दलहनी फसल होने के कारण लोबिया में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती, फिर भी शुरू की अच्छी बढ़वार के लिए 10 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई के समय डालें। बिजाई से पहले सिंचित इलाकों में 25 किलोग्राम फास्फोरस और बारानी क्षेत्रों में 12 किलोग्राम फास्फोरस पोरा या ड्रिल से डालें। मिश्रित खेती में उर्वरक फसल की सिफारिश के अनुपात में ही डालें। निराई गुड़ाई, गर्मी में बोई गई फसल में एक निराई गुड़ाई पहली सिंचाई देने के बाद पतर आने पर करें। सिंचाई और जल निकास मार्च अप्रैल में बोई गई फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 20-25 दिन बाद और मई में बोई गई फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 15-20 दिन बाद करें। आगे की सिंचाइयां 15-20 दिन के अंतराल पर करें। इस तरह कुल मिलाकर 3-4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद करें।